नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। मौतों का मंजर है, चिताओं से चीखें सुनाई दे रही हैं। शहर के हर कोने कोने में एम्बुलेंस की गूंज ने सबको डरा दिया है। हर एक कोरोना मरीज ऑक्सीजन लगाया हुआ दिखाई दे सकता है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, टेस्टिंग बूथों पर टेस्टिंग किट नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दे दिया कि लॉकडाउन करो या तो सख्ती से पालन करवाओ, फिर भी सरकार अनदेखा करती हुई नजर आ रही है। सरकार अपने आप को हाईकोर्ट से भी बढ़िया समझने लगी है। शमशान में वेटिंग है, अस्पतालों में बेड नहीं है। सरकार मौतों का आंकड़ा भी छुपाते हुए नजर आ रही है। हर दिन पूरे गुजरात में 300 से ऊपर लोग मर रहे हैं, तो सरकार सिर्फ 100 का आंकड़ा दिखा रही है। पॉजिटिव जो भी मरीज हैं उनके आंकड़े भी सरकार छुपाती हुई नजर आ रही है। हर दिन 12,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। तो जहां एक तरफ सरकार लगातार सख्ती से पेश आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सरकार की सख्ताई का जरा भी असर नजर नहीं आ रहा। सरकार लॉकडाउन के मूड में तो है नहीं। जितने भी गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, डॉक्टर्स हैं और जनता भी एक छोटा सा लॉकडाउन की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच गुजरात के GMDC ग्राउंड में गुजरात सरकार के द्वारा RT-PCR सबसे बड़ा टेस्टिंग प्लांट लगाया गया है। वहां से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की गुजरात की टीम ने लोगों के बीच जाकर इस तरह से टेस्टिंग किया जा रहा है और किस तरह से नहीं किया जा रहा है, तमाम चीज़ों का ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया। आइए देखते हैं। जी हाँ, जो RT-PCR जो GMDC में जो सबसे बड़ा जो प्लांट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो इनके जो मैन इंचार्ज हैं उनसे बात करना चाहेंगे। जी हाँ मैम, आपका नाम बताएंगे पहले। मैं आई एम एलिजाबेथ। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से लंबी कतारों में RT-PCR करने के लिए लोग 4-व्हीलर 2-व्हीलर्स और साइकिल्स वगैरह लेके यहाँ पे सभी सुविधा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमने ये बनाया है ड्राइव थ्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। यू कैन कम इन अ कार, यू कैन कम इन योर ओन कार और इन अ टैक्सी, इन एन ऑटो रिक्शा, यू कुड ऑल्सो कम इन ऑन अ 2-व्हीलर। बट वी ऑल्सो हैव सेपरेट काउंटर्स फॉर वॉक इन पेशेंट्स, राइट? We have got 4 counters for walk-in patients and we have got 10 of these stations for people who want to drive through. अच्छा, right? और मैं पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से लंबी कतारों में क्या सुविधा व्यवस्था दी जाती है उनको? क्या पानी, काफ़ी गर्मी में लोग खड़े रहते हैं, उनको पानी दिया जाता है या कुछ भी उनको सुविधा व्यवस्था गवर्नमेंट की ओर से की जा रही है कि नहीं की जा रही है? नहीं, ये अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्चुअली हैज़ कॉपरेटेड, हैज़ गिवन अस ट्रेमेंडस हेल्प एंड कॉपरेशन, एंड वी आर गिविंग वाटर टू ऑल द पीपल। जितने लोग आ रहे हैं, धूप में खड़े हैं, सभी कार्स में, व्हीकल्स में लोग आ रहे हैं, उनको हम पानी ऑफर कर रहे हैं। एंड बियॉन्ड दैट तो ठीक है, टेस्ट करा रहे फास्ट। ईच पर्सन, ईच कार टेक्स ओनली अबाउट 3 मिनट्स टू गेट टेस्टेड एंड दे कैन ड्राइव आउट। ओके, जिस वजह से मैं पूछना चाहूँगा, जो लंबी कतारों में RT-PCR करवाने आ रहे हैं, एक टेस्टिंग यहाँ से हो जाता है, बाद में उनको जो टेस्टिंग किया जा रहा है RT-PCR, वो कितने घंटे में उनको उनका रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट हम लोग वी ट्राई टू गिव इट टू देम एट दी अर्लीस्ट, तो बिफोर 12 आवर्स हम उनको सबको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को कभी कभी क्या है कि हमारे वहाँ हमने मशीन्स की फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ कर दी है, तो हम 6 से 12 घंटे के अंदर दे पा रहे हैं। बट वी आर टेलिंग एवरीबडी कि बिफोर 12 आवर्स यू विल गेट योर रिपोर्ट्स। मैम, आपने काफ़ी सारी EMC की प्रशंसना की है, काफ़ी सुविधा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन जिस प्रकार से मैं जो लोग सुबह से लेकर जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उनकी जगह पे देखना चाहे तो फिलहाल वहाँ पे एक नहीं तो किसी प्रकार का फैन लगाया गया है। इतनी कड़ी धूप में वो भी बीमार हो सकते हैं। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, फिलहाल फिर भी सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हो? हाँ, तो इन लोगों के लिए देखिए, आप हमने उधर टेंट्स लगाए हुए हैं और जितनी स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको उनकी पूरी सुविधा, एंड वी टेक केयर ऑफ देम इन द सेंस दैट दे आर प्रोवाइडेड टी इन द मॉर्निंग, टी विथ स्नैक्स वी गिव देम ब्रेकफास्ट, देन इन मिड मील वी गिव देम लींबू पानी, यू नो, एंड देन लंच दिया जाता है, इवनिंग में टी एंड स्नैक्स दिए जाते हैं, एंड वी कीप गिविंग देम बटर मिल्क एंड लाइम वाटर टू कीप देम गोइंग। अब है धूप एंड हमको ये करना है, बट आप देखोगे कि मंडप सभी जगह पे लगा हुआ है, नोबडी इज़ डायरेक्टली एक्सपोज टू द हीट, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हमने वहाँ पे टेंट्स बनाए हुए हैं, अम्ब्रेलाज लगे हुए हैं, दे ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, सभी जगह पे कूलर्स हमने रखे हुए हैं, देर आर फैंस टू कीप देम कूल, बट देन इफ इट्स हॉट इट्स हॉट, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट द वेदर, राइट? क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से लंबी कतारों में लाइन है RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतों का तो ये है सर, सूरज बहुत गर्मी के अंदर हम लोग धूप में रहते हैं सर,
और हमारे बंदे लोग जो हैं 12 घंटे में तो परेशान हो जाते हैं, मतलब बीमार भी हो जाते हैं कुछ बंदे तो, और फिर भी हम सेवा करते हैं इन लोगों की और पानी भी पिलाते हैं सबको बराबर। सर कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी लोग टेस्ट करवाने आए, मालूम नहीं है आपको कि ये पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, फिर भी आप सेवा में तैनात है, आप सेवा कर रहे हैं, काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना, कड़ी धूप है आपके ऊपर, फिर भी तो गुजरात सरकार को क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपके जैसे लोग सेवाएं कर रहे हैं, जिस प्रकार से ड्यूटी निभा रहे हैं, कुछ सरकार को सोचना चाहिए। हाँ सोचना चाहिए, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, हम जैसे जो इसमें कोविड में हम लोग जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे सरकार, और तो क्या सर। काफ़ी सराहनीय बात बता रहे हैं क्योंकि ये जो जवान है वो सिक्योरिटी जवान है, कड़ी धूप में 45 के ऊपर जो गर्मी पड़ रही है उनके अंदर जो RT-PCR जो लोग को मालूम नहीं है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, फिर भी एक सेवा की दृष्टि से ये लोग यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार 12-12, 15-15 घंटा यहाँ पे धूप में खड़े रहते हैं, नाइट भी करते हैं, फिर भी उन लोग को दिक्कतों का सामना करते हुए भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत तकलीफ पड़ रही सर ये करते हैं, और धूप भी बहुत है, हम तो भी हम भेदभाव के सिवा सबको पानी वानी पिलाते हैं, सब कामगिरी करते हैं हम। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी ड्यूटी निभाते हो? हाँ हम ड्यूटी करें सर, सबको सेवा करें हम, पानी सबको कड़ी धूप में हम काम करें, पर सरकार हमारा थोड़ा ध्यान लगाए अच्छी बात है, सरकार ध्यान लगाए वो जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर जी इसमें ऐसा है, ये रोज का देखते हैं 5,000 गाड़ी जैसी आती है, तो भी हमारे सिक्योरिटी वाले पूरे यहीं अपना मेंटली कर रहे हैं, जैसे हमारी सलामती सिक्योरिटी है सर्विस दे रही है प्रोवाइड कर रही है, बंदे कड़ी धूप में खड़े रहते हैं 12 घंटा, और समझते अभी COVID-19 का सीजन बेचारे उनको अंदर डर बैठ गया है, तो भी फिलहाल हमारे बंदे 12 घंटे कंटिन्यू सर्विस दे रहे हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छा है, हमारी सलामती सिक्योरिटी भी बहुत ही अच्छी सर्विस दे रही है, धन्यवाद उसके लिए। जी हाँ उन्होंने कहा सिक्योरिटी काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से सिक्योरिटी के जो कैबिन दी गई है, जो कैबिन में नहीं तो फैन दिखाई दे रहे हैं, नहीं एसी है, एसी तो बात ही छोड़ो फैन नहीं है, वो कड़ी धूप में यहाँ से लगातार मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो चेयर दी गई है बैठने के लिए वो भी फटी पड़ी हुई है, जिस प्रकार से सिक्योरिटी यहाँ पे लगातार 5,000 गाड़ियों की निगरानी करती है, उनको पानी भी पिलाती है लेकिन खुद पानी पीने के लायक नहीं रहती है, फिलहाल ऐसी सिक्योरिटी को सरकार को मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो धूप में कड़ी धूप में यहाँ पे बैठ के जो कार्य करते हैं काफ़ी सराहनीय है उनकी सिक्योरिटी को, और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग जो ऐसे बंदे हैं जो काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधा व्यवस्था दी जाए। यहाँ पे RT-PCR का मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से 4-व्हीलर की जो लंबी सी लाइनें हैं वो लगातार देर रात से लगे यहाँ पे लाइनों में लगते हैं, और सुबह उनका जब टेस्टिंग स्टार्ट होता है घंटे घंटे 3-3, 4-4 घंटे 5-5 घंटे के बाद लोगों का नंबर आता है RT-PCR टेस्ट करने के बाद। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी सुविधा की गई है, हर एक जगह पे काफ़ी सारे टेंट लगाए गए हैं, RT-PCR टेस्ट 4-व्हीलर में आप बैठे बैठे करवा सकते हो, 2-व्हीलर लेके आते हो तो 2-व्हीलर में भी RT-PCR करते हो, साइकिल लेके भी आते हैं कोई तो उनको भी RT-PCR टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। लेकिन एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से लोग इतने घबराए हुए हैं कि टेस्ट करने के लिए लंबी कतारों में 4-व्हीलर लेके 2-व्हीलर लेके यहाँ पे सब लोग आपको नज़र दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे टेंट हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा गुजरात का सबसे बड़ा अहमदाबाद में जो GMDC ग्राउंड है वहाँ पे RT-PCR टेस्टिंग यहाँ पे गुजरात सरकार के द्वारा चालू की गई है, यहाँ पे हर एक जगह पे अलग अलग टेंट डाले गए हैं, यहाँ पे हर एक जगह पे RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से मैं ये पैदल चलते चलते सभी टेंटों के पास आपको लेके गुजरा हूँ, मैं लाइनें दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से लंबी लंबी कतारों में 4-व्हीलर की लाइनें हैं, और सभी को मैं पूछना चाहूँगा जिस प्रकार से मैं जो RT-PCR करने आए, सर जी कब से खड़े थे आप? नहीं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब आधा घंटा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से RT-PCR आप कड़ी धूप है बाहर, आप 4-व्हीलर लेके AC में बैठे हो फिर भी, लेकिन धूप तो लगता ही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इतना तो सब लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है तो सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए, और दैट्स ऑल। आप RT-PCR करवाने आए हो, कितने घंटे से आप लाइन में खड़े हो?
इट टुक मी 45 मिनट्स जैसा हो गया, 45 एनआर जैसा हो गया हम लोग। अच्छा, कड़ी धूप में आप पूरी फैमिली के साथ आए हो, क्या कहना चाहेंगे? इम्पॉर्टेंट है, सिचुएशन ऐसी है, आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो जनता है वो डरी हुई है, आपको लग रहा है क्या? डर का माहौल तो है, क्यों नहीं है, इट इज़ देर इज़ अ फियर, सबको है कि भाई क्योंकि ये जो सेकेंड स्ट्रेन के बारे में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रहा है मीडिया के माध्यम से ही, काफ़ी चीज़ें आ रही है, सो कहीं ना कहीं वो डर फैलाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है उतना डर ज़्यादा लगता है। सर, माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है, महामारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से आ रही है, क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लॉकडाउन ज़रूरी है या नहीं है? लॉकडाउन, अब ये एक ऐसा सवाल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अगर मुझे पूछा जाए, मेरे पास घर है, सारी चीज़ें हैं, मैं बोलूँगा शायद ज़रूरी है किसी के लिए, वो लॉकडाउन लाना विल बी अनदर प्रॉब्लम फॉर सर्टन अदर पीपल, तो कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है, या उसका आना उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, सो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड है सर। ओके, आप कितने घंटे से खड़े हो? मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ। अच्छा, सभी लोग RT-PCR करवाएंगे? हाँ। अच्छा, मैं दूसरा पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो महामारी चल रही है काफ़ी बेहद बढ़ गई है, आप कहीं ना कहीं वही डर से आप RT-PCR करवाने के लिए आए हो। हाँ। क्या आपको पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से लॉकडाउन ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि महामारी बढ़ रही है और वो घर घर कोरोना हो रहा है। वहाँ गांव से हम आए, 35 किलोमीटर दूर से आए यहाँ कोरोना का रिपोर्ट लेने। गांव में भी बहुत कोरोना है, गांव में भी दर्दी मर रहे हैं बहुत सारे, इसलिए लॉकडाउन ज़रूरी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं भी लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं, चिताओं की लाइनें लगी हुई है, घंटे घंटे तक वेटिंग करना पड़ता है शमशान घाट में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसके लिए तो लॉकडाउन ज़रूरी है, वो सरकार का बहस चल रही है क्या करती है देखते हैं। पहले स्टेडियम में पब्लिक इकट्ठा करते हैं, राजनीति आती है, चुटनियाँ आती है, सभी में पब्लिक ही हैरान होती है ना, उनको क्या जाता है? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है अभी। ऑक्सीजन की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो व्यापार जैसा हो गया है, सभी में RT-PCR के पैसे दो, सभी कोरोना के रिपोर्ट के पैसे हो, आम आदमी कहाँ जाए? जो है, आप RT-PCR करवाने आए, कितने घंटे से खड़े थे सर? मैं करीब आधे घंटे से खड़ा हूँ। अच्छा, आधे घंटे से, 40 मिनट। आप एक कड़ी धूप है ऊपर और आप गाड़ी लेके आए हो, फिर भी धूप तो लगती है। हाँ, सही है, सही है, बट यहाँ पे क्या है कि ये पेमेंट वगैरह का सब एक साथ है ना, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर पेमेंट का पहले ले लेते और बाद में डायरेक्ट टेस्ट कर लेते तो थोड़ा फास्ट होता। अच्छा, तो गुजरात सरकार से क्या क्या कहना चाहेंगे? सो गुजरात सरकार मतलब कर तो रही है, मतलब अच्छा ही काम कर रही है, क्योंकि अभी ये जो ड्राइव थ्रू है वो मतलब किसी भी स्टेट में इतना अच्छा नहीं है, तो ये काम तो अच्छा ही है, गुजरात गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। बट हमको मतलब लोगों को भी समझना चाहिए कि घर से बाहर कम निकले और घर पे ही रहे। सर, गुजरात सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो हॉस्पिटल है भरे पड़ी हुई है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, सब कुछ अपनी तरफ से वो लोग कर रहे हैं, बट अगर फिर भी वो मुमकिन नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि सभी लोगों को अच्छे से इंजेक्शन वगैरह सब कुछ मिल जाए, और कुछ सेंटर्स वगैरह कुछ ज़्यादा करने चाहिए कि लोगों को इंजेक्शन वगैरह मिल जाए। प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।